कई राजनेता इन दिनों शास्त्र के जानकार आपको नजर आने लगे होंगे, शास्त्र सम्मत क्या है नहीं है, धर्म की व्याख्या तक ये राजनेता करने लग गए हैं। सवाल यह है कि वाकई में धर्म और शास्त्र के नाम पर यह विरोध हो रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, या इन सब के पीछे राजनीति है? इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और चूंकि मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में यह कहा था कि अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि मानो अभी यह मिनी इंडिया है, एक छोटा भारत है, देश भर के लोग पहुंच रहे हैं, तो मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन भी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मंच पर जो तमाम महानुभाव हैं उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहला सवाल आप ही से है, सवाल यह है, ये जो बात कही जा रही है कि शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं कि धर्म सम्मत नहीं है, क्या वाकई ऐसा है मुहूर्त को लेकर जो विवाद हो रहा है? अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर पूज्य शंकराचार्य भी ऐसा कह रहे हैं, वैसे मैं सभी साधु संतों का, धर्माचार्यों का, महंतों का, श्री महंतों का, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सबका मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लेकिन अगर कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत है। देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों मनीषियों ने इस पर विचार करके और शास्त्र के अनुसार इस मुहूर्त को रखा है। अगर किसी को कोई शंका है, मैं उनको बता दूं, एक सामान्य अनुष्ठान में और विशेष अनुष्ठान में फर्क ऐसे होता है, जैसे एक बाल्टी अगर जल रखा है, अगर उसमें कोई सूकर या कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर गंगा जी में सूकर और कुत्ता मर भी जाए तो भी लोग उसका त्याग नहीं करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उसका सामर्थ्य बड़ा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव है, जिसको लेकर के वेद कहते हैं नेति नेति जहि वेद निरूपा। वेद भी कहते हैं, भगवान का वर्णन करते करते कहते हैं कि आगे मैं भी नहीं बता सकता हूं। और दूसरी बात, आज एबीपी दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, भगवान का नाम सुनने और कहने मात्र से सारे अशुभ दूर हो जाते हैं और सारे मंगल और शुभ की शुरुआत हो जाती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है, मैं उनको विनम्र प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इस तरह का बयान न दे। अगर शंका है किसी को, बात यही नहीं रुक रही है, मैं आपको अभी अब चर्चा में लाना चाहूंगा। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो बात कही, वो कह रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है, यह बात भी कही जा रही है। देखिए, मैं पूज्य सभी संतों को कह रहा हूं कि इस तरह का बयान न दें। हम सभी सनातनी एक हैं, एक रहेंगे, आपसी कोई मतभेद नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर आप दुखी होकर के और इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात न करें। यह शास्त्र सम्मत है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव रखा गया शास्त्र सम्मत है। अगर किसी को नहीं, लेकिन ये भी तो धर्माचार्य है ना जो बयान दे रहे हैं, तो उसका हम क्या अर्थ निकालें फिर? ये भी तो शंकराचार्य हैं जो कह रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं शंकराचार्य से बताना चाहता हूं कि जब दक्षिण भारत के शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती को दिवाली के दिन घसीट लोग ले जा रहे थे, उस वक्त आप लोग क्यों चुप थे? जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई जाती थी, ब्राह्मण गोली चलाई, तब आप क्यों चुप थे? और आपको शायद ये भी ज्ञान नहीं है कि मैंने मस्जिद नहीं था, ये मेरा मंदिर था और मंदिर पुराना हो गया था, हम अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और तब भी आप बोल रहे हैं। यहाँ पर जो ये चारों शंकराचार्य है, मैं अब मुक्तेश्वरानंद से कहना चाहता हूँ, जब ज्ञान व्यापी का बात आई, अयोध्या से जगत गुरु जी और स्वामी कर्पात्री जी, मैं वहां जाकर के जल चढ़ाया, तभी विवाद कर रहे थे कि अयोध्या वाले आ जाएं और हम न जाएं, तब इन्होंने अनशन तोड़ा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो है किसी संत की नहीं, किसी स्थिति की नहीं, ये हमारे उन तमाम लोगों का परिश्रम है जो 550 साल तक 450,000 लोगों ने शहादत दिया है। ये स्वर्णिम नहीं है, ये जो बता रहे हैं रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है, ये भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। आप पूछ रहे हैं ये सरयू किनारा है, ये क्या बताएंगे शंकराचार्य, क्या बताएंगे? इन्होंने घर का कोई शहादत दिया है क्या?
इस सरजू जी का तटीय देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, लाल कोठी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, हमारे राम राजनीति के विषय में। ABP News, आपको रखे आगे।